कि संसद चले, कांग्रेस जिद पर अड़ी है। आज लोकसभा में कांग्रेस के नेता जो आंध्र प्रदेश से हैं, उनके सहयोगी दल वो सदन को रोक रहे हैं चलाने में। अभी जो हाउस एडजर्न हुआ है वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के नेताओं के वजह से हाउस अभी एडजर्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संसद चले और नियमों के तहत चर्चा हो। कांग्रेस इस सत्र को भी अपने जिद के हवाले न करे, विपक्ष को विश्वास में लेकर संसद को चलाने की कोशिश करे। लेकिन मुझे लगता है भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी कांग्रेस ही नहीं चाहती कि संसद चले, इसलिए उसके ही सदस्य और उसके सहयोगी दल के नेता आकर संसद में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। लेकिन सर, हमारी जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे पे आपका तेवर है, ब्लैक मनी के मुद्दे पे, तो उससे संसद में नहीं चल पाएगा? नहीं, तो महंगाई के मुद्दे पर हम लोगों ने कहा कि महंगाई पर भी चर्चा हो, काले धन पर भी चर्चा हो, और हम कोई नए नियम नहीं बना रहे। हम नियम के अनुसार काम रोको प्रस्ताव पिछले यूपीए 1 में 8 बार आया, यूपीए 2 में क्या जिद है कांग्रेस की कि काम रोको प्रस्ताव नहीं मानेंगे? उनको जिद पर संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की भी है। सिर्फ विपक्ष को ब्लेम देना, अब कुछ लोगों ने इसको एक माहौल बना लिया है कि विपक्ष की वजह से संसद नहीं चल रहा। संसद जब भी रुकती है तो वो कांग्रेस की हठ धर्मिता की वजह से संसद में व्यवधान पैदा होता है। हम लोगों ने कहा काले धन पे चर्चा करो, महंगाई पे चर्चा करो, और हम लोगों ने कहा कि पी चिदम्बरम को ना हम सुनेंगे ना उनको बोलने देंगे, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम में पीएससी की फाइंडिंग हो या वित्त मंत्रालय की फाइंडिंग हो, वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट में है कि चिदम्बरम चाहते तो ये स्कैम नहीं होता। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नोट नहीं है, ये अभी की फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोट है, जिसमें साबित हो चुका है कि चिदम्बरम बराबर के गुनाहगार हैं। फिर चिदम्बरम मंत्री क्यों हैं? तो चिदम्बरम जब बोलने खड़े होंगे, प्रधानमंत्री जवाब दे दे हम लोग सुन लेंगे, उनके राज्य मंत्री जवाब दें हम लोग सुन लेंगे, लेकिन पी चिदम्बरम अगर संसद में खड़े होकर बोलेंगे तो जिसको उनके मंत्रालय के लोग गुनाहगार मान चुके हैं उसको विपक्ष के लोग सच्चा कैसे मान सकते हैं? उनकी बातों को हम न सुनेंगे न उनको बोलने देंगे। आप लोगों ने चर्चा की बात की है, चर्चा के लिए ही आज मत विभाजन हुई। चर्चा के बाद लेफ्ट और बीएसपी ने मत विभाजन वाले प्रावधानों के तहत नोटिस दिया था, भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हट रही है? कोई भारतीय जनता पार्टी प्राइस राइज पर पूरी तरह चर्चा चाहती है, हम एकदम पीछे नहीं हट रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है, ये कुछ लोग बैठकर इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले भी करते रहे हैं, पिछले सत्र में भी। भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर भी चर्चा चाहती है और काले धन पर भी चर्चा चाहती है।